तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक, जो कि आज का टॉपिक है लिक्विड डोसेस फ्रॉम। लिक्विड डोसेस का जानेंगे कि एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, और इसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं, और सॉलिबिलिटी जो है इन्हांसमेंट कैसे करते हैं। सॉलिबिलिटी इन्हांसमेंट डेट मीन कह लीजिए कि कोई भी चीज को अगर सॉलिबिलिटी और ज्यादा से ज्यादा सॉलिबल हो और एक्सपेरिमेंट और एपीआई दोनों अच्छे से मिक्सअप हो, इन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लिक्विड डोसेज फॉर्म का अगर आप देखें कि डेफिनेशन क्या होता है, कि सबसे पहले लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या होता है, जितने भी सिरप या तो फिर आप लिक्विड के रूप में अपने बॉडी में रहते हैं उस सारे चीजों को हम लिक्विड डोसेज फॉर्म कहेंगे। ये क्या होता है कि इसमें दो चीज होता है, एक तो मिक्सिंग ऑफ एक्टिव ड्रग कंपोनेंट एंड नॉन एक्टिव, जिसे नॉन एक्टिव ड्रग कंपोनेंट को हम एक्सपीएंट कहते हैं। देखिए जो भी हमारे डोसेस का फॉर्म जो डेटमिन की इफेक्ट जो शो करता है, इफेक्ट शो करता है, वो हमारे एपीआई शो करता है। इसका काम क्या है, उस चीज़ों को बचा के रखना और उसके साथ कैसे मिक्सअप करना, ये सारे क्या करते हैं एक्सपीएंट। एक्सपीएंट उसमें हेल्प करता है। मेन रोल कहाँ है हमारा, एपीआई डेटमिन के लिए एक्टिव ड्रग कंपोनेंट का ही काम रहता है। एडवांटेज क्या होता है लिक्विड डोसेज फॉर्म का, देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो कि स्वेलिंग में प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मान लीजिए बच्चे को और जो बूढ़े को, ये सारे क्या होते हैं इसमें स्वेलिंग प्रॉब्लम होता है, उनको क्या करते हैं हम इजीली दे सकते हैं। उसमें क्या होता है इसमें फास्ट एब्जॉर्ब होता है, अगर टेबलेट को लेंगे तो पहले क्या होगा डिजॉल्व होगा उसके बाद फिर एब्जॉर्ब होगा, लेकिन ये सॉलिड से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसमें क्या होता है फ्लेक्सिबल होता है, प्रॉपर डोज हम इसमें मेडिकेशन दे सकते हैं, पैलेटेबल होता है, बेस्ट चॉइस किसके लिए होता है, चिल्ड्रन और बच्चे के लिए अच्छा चॉइस होता है। देखिए हर चीज का दो पहलू होता है, जिसका जितना बेनिफिट है उतना भी डिसएडवांटेज भी है। इसको क्या है कि इसका जो है लॉन्ग टाइम तक नहीं रख सकते, जैसे कि अगर टैबलेट का देखें 2 ईयर 3 ईयर तक हम इसका यूज इजिली कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर नहीं 1 ईयर 6 मंथ तक ही रहता है। ये क्या हार्डर मेजर, इसका एक्यूरेसी नापने के लिए हार्ड होता है, मतलब एक्यूरेसी एग्जैक्ट हम नहीं मान सकते। क्या होता है कि स्टोरेज ये अपना स्पेशल कंडीशन में रख सकते हैं, ज्यादा अगर मान लीजिए हॉट एरिया में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा सिर्फ हमारा, लेस स्टेबल, स्टेबल ज्यादा नहीं होता है। इसमें क्या करता है इजिली माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो फिर कंटामिनेटेड होता है, जिसके कारण हम इसका लॉन्ग टाइम नहीं रहता है। इसमें बल्क होता है कैरी करने के लिए, जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन करना है एक जगह से दो जगह, तो उसका सिरप का बोतल ज्यादा ज्यादा था एज कम्पेयर टू अगर टैबलेट देखें तो टैबलेट उस किसी भी डब्बे में अगर रखेंगे सिरप को और टैबलेट को तो सिरप कम रखा जाएगा और टैबलेट ज्यादा रखा जाएगा। हम इसलिए इजिली कंटेनर भी इसका क्या करते हैं ब्रेक कर जाते हैं, इसलिए हमारे नुकसान भी होना ज्यादा होता है। मेजरिंग इसमें क्या होता है कि रिक्वायर्ड होता है कि कितना मेजर करके दे, ऐसे कि मान लीजिए 1 एग्जांपल पे ले लीजिए 100 ml का ड्रग है, कोई सिरप है, उसके लिए मेजर करना पड़ता है डॉक्टर, अगर 10 ml का है तो 10 ml ही आपको लेना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिक्विड डोसेज फॉर्म में दो चीज होता है, एक तो होता है एपीआई जिसको हम कहते हैं एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, जो कि यही मेन काम होता है, और एक होता है एक्सपिएंट, एक्सपिएंट या तो फिर कह लीजिए एडिटिव। एडिटिव का काम क्या है कि देखिए एडिटिव का काम इसका बचा के रखना, इसका देखिए काम एक एक तो सबसे पहले एडिटिव का काम क्या करता है, क्यों इसका रीजन है, इसलिए रीजन है कि इसको प्रोटेक्ट रखना, मतलब माइक्रोब से प्रोटेक्ट करता है, स्टेबल रखता है, इंप्रूव करता है ऑर्गेनोलेक्टिव प्रॉपर्टी और मास्किंग टेस्ट। जैसे देखिए ड्रग का जो होता है, ड्रग का कोई भी ड्रग अगर लेंगे तो इसका टेस्ट जो है ना बहुत खराब रहता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं टेस्टिंग एजेंट जोड़ के हम इसे क्या करते हैं टेस्टिंग खत्म कर देते हैं, जो अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम उसे ला सकते हैं। इसका क्या करते हैं इनलार्जमेंट टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रिपरेशन, टोटल वॉल्यूम का हम इनलार्जमेंट करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं यूनिफॉर्मली इसका काम करता है, जो कि हमारे एडिटिव का ये सारे बेनिफिट है। लगातार आप देख लेते हैं कि एग्जांपल क्या है एडिटिव, एडिटिव कह लीजिए या तो फिर इसमें एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं इसे। सबसे पहले इसमें हम यूज करते हैं माइक्रो एंटी माइक्रोबियल एजेंट, इसका काम यही होता है कि जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, जो मान लीजिए माइक्रोब्स होते हैं कंटामिनेशन करता है, जो बाहरी फॉर्म पार्टिकल आकर सिरप को खराब कर सकता है, वो चीजों से बनाता है बफरिंग एजेंट। बफरिंग एजेंट क्या करता है पीएच को मेंटेन करता है, फ्लेवर एजेंट जैसे कि टेस्ट के हिसाब से करता है फ्लेवर, जो चाहिए कलरिंग एजेंट कलर प्रोवाइड करता है, सस्पेंडिंग एजेंट जैसे कि टेस्ट किसी का खराब है तो वो काम करता है, ये इमल्सिफाइंग एजेंट जो उसे इजिली मान लीजिए इमल्सिफाई कह लीजिए उसे दो मिक्सअप करने का इजिली काम करता है, एक होता है स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग की दोनों को एकदम मिक्सिंग जो कर रहा है उसको एकदम अलग नहीं हो, जैसे लिखा हो रहता है सेक बिफोर यूज, कि जब भी सिरप आप लेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि पहले हिलाए फिर उसे पिए, क्यों, क्योंकि वो स्टेबलाइजिंग एजेंट रहता है और जो एडिटिव रहता है दोनों अच्छे से मिक्सअप हो जाए, फिर डाइलेंट एंड अदर, ये थे हमारे पूरा एडिटिव। अब कंटिन्यू करते हैं कि एक्सपेरिमेंट यूज एंड फॉर्मुलेशन, डोसेज फॉर्म में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंट कह लीजिए या तो फिर एडिटिव हम कौन सा यूज करते हैं जो हमारे लिक्विड डोसेज फॉर्म में यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें मिलते हैं आपके साथ।